नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल सीट के कुछ और बिंदु। मैं प्रमोद समोली, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपना गूगल सीट को खोलने के लिए कुछ साथियों का एक कुछ प्रश्न आए थे मेरे पास। उनमें से एक ये भी था कि गूगल सीट हमसे खोल नहीं रही है, तो शायद उन्होंने गूगल इस तरह से खोला होगा। यहाँ पर जो मैंने 9 बिंदु बताए थे वो बिंदु यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, हमें करना क्या होता है, जब आप ये खोलेंगे तो हमको यहाँ पर टाइप करना है गूगल, ध्यान रखिएगा, गूगल डॉट को डॉट इन। ये गूगल की एक्चुअल साइट है, इसको हम क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे। तो अब हमारे पास फिर वही चीज़ आई है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात क्या हुई कि 9 बिंदु हम पे आ गए हैं। तो हम इन 9 बिंदुओं से अपनी गूगल सीट को खोल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे और हमको सीट यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि हमने गूगल सीट को पहले डाउनलोड किया हुआ है अपने फ़ोन पे, तो हमको ये ऐप के माध्यम से भी मिल जाएगी। हम आज वहीं से चलेंगे, शुरू करते हैं हम। देखिए, यहाँ पर ये गूगल सीट है मेरे पास, जो हम वहाँ से काम कर रहे हैं वही काम हम यहाँ से भी कर पाएंगे। तो हम इस पर काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सीट दिखाना चाह रहा हूँ। इस सीट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा है वाक्य, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है वाक्य, तो देखिए वाक्य का जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह से है, ऐसे करके है। क्रिया कैसे में है, ऐसे में है। और उसके अलावा यहाँ पे राम लिखा है, राम इज़ ए गुड बॉय। इसका फॉन्ट देखिए, इसका कलर देखिए। तो ये सब बातें आज हम सीखने वाले हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपको कोई चीज़ ठीक करनी है, मतलब आप चाहते हैं कि इस तरह से लिखा जाए, तो मैं इस वाक्य को का ओरिएंटेशन कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। हमको पहले इस पर क्लिक करना होगा। वाक्य पे क्लिक किया और हम वापस ए पर आए, जो मैंने आपको पहले बताया, ए सबसे इम्पोर्टेंट, सारे सब कुछ इसके अंदर ही होता है। आपको यहीं पे क्लिक करना है, ए पे क्लिक किया। अब हमको क्योंकि टेक्स्ट पे काम करना है, वाक्य एक टेक्स्ट है, एक शब्द अक्षर या वाक्य है, तो हमको इस पे काम करना है, तो हमें टेक्स्ट पे काम करना होता है। तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक आ रखा है यहाँ पर। टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आकर के यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट ओरिएंटेशन, तो इसको ध्यान दीजिए, टेक्स्ट ओरिएंटेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने पर आपको लिखा है, ये जो भी लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे इसको देखने से आइडिया हो जाएगा कि टेक्स्ट को आप किस तरह से करना चाहते हैं और किसके करने से क्या होगा। मैं इस टेक्स्ट को फिलहाल इस तरह से टिक करता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, अब ये वाक्य जो था, ये वाक्य इसका ओरिएंटेशन इस तरह से हो गया है, इसका ओरिएंटेशन इस तरह से हो गया है। अब इसी तरह से आप इनका ओरिएंटेशन कर सकते हैं, एक तो आपने ये देखा। उसके अलावा फॉन्ट कैसे बदलेंगे, देखिए हिंदी का तो फॉन्ट नहीं बदल पाएगा क्योंकि हिंदी का हम पे एक ही फॉन्ट होता है जो यूनिकोड में होता है, लेकिन इंग्लिश के कोड फॉन्ट काफ़ी सारे होते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, ये भी टेक्स्ट है, फॉन्ट हम फिर वहीं पे आएंगे अपने ए पे, जो हमारा मेन सोर्स है, ये ऊपर पे, सॉरी, ये ऊपर वाला, इस पे ही आएंगे। इस पे क्लिक किया। अब मैं इसको टेक्स्ट पे काम करूँगा तो मुझे फॉन्ट पे आना पड़ेगा। देखिए अभी कैसा लिखा है, अब मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो ये ऐसा हो गया, इस तरह से करूँगा ऐसा हो जाएगा। जो भी फॉन्ट हमारे मोबाइल पे होंगे उस तरह का हम कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको एक अच्छे स्टाइल में, जो मुझे ठीक लग रहा है, उस पर करता हूँ। और मैंने इसको इसको इस तरह से कर, ये वाली स्टाइल में कर दिया, मुझे ठीक लग रहा है, तो मैंने ऐसे कर दिया इसको। ऐसे ही हम कलर चेंज करेंगे, तो कलर देखिए शॉर्टकट यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, शॉर्टकट कुछ नीचे भी हैं यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन सारे शॉर्टकट हमको वैसे यहाँ से मिलते हैं। तो मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर पाऊँगा, नीचे से जहाँ पे ए लिखा है ए पे क्लिक किया, कौन सा कलर करना है वो मैं कर लूँगा यहाँ से आराम से। देखिए कलर चेंज हो गया है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे हम लोग कि हमको ये जो राम इज़ ए गुड बॉय था, इसको हमको लिखना था यहाँ पर, और मोहन और सिया गांव गए हैं, इसको लिखना था यहाँ पर, और ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर
थोड़ा देर तक क्लिक करूँगा, हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आते हैं, ये ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें से मुझे इसको कट करना होगा। तो मैं जैसे ही कट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद जहाँ पे मुझे रखना है वहाँ पे लेके आऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। दोबारा इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे और पेस्ट कर देंगे, इसी में देखिए कट कॉपी पेस्ट आया है, पेस्ट कर देंगे, ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। अब हम इसके बाद इस लाइन को भी ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो उसके बाद हम इस लाइन को क्लिक करेंगे, कट करेंगे और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देंगे। क्लिक किया, पेस्ट किया, एक बार फिर करते हैं, सॉरी, कट किया। और एक्चुअली यहाँ पर हमने, मैंने और आपको बताने के लिए कुछ काम किया हुआ है। यहाँ पर मैंने, देखिए जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो व्यू नॉट आ रहा है। ये व्यू नॉट जो है, यहाँ पे मैंने एक नॉट बनाया हुआ है, ये देखिए, इसे ध्यान से देखिए करने के लिए। तो ऐसे करके आप किसी टेक्स्ट के अंदर भी कुछ नॉट्स बना सकते हैं। और ये बनाते कैसे हैं देखिए, फिर वही लॉन्ग प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे राम के ऊपर बनाना है, क्लिक किया और देखिए मैंने राम के ऊपर लॉन्ग प्रेस किया, ये कुछ ऑप्शन आ गए, कट कॉपी पेस्ट स्पेशल पेस्ट, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ होंगे। मैं तीन पॉइंट पे क्लिक करूँगा, नॉट पे क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी जो मुझे इस नॉट्स के बारे में लिखना है, और मैं इसको ओके कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब इसका कुछ नॉट है वो हम इसको देख सकते हैं। तो एक तो आपने ये चीज़ देखनी थी, उसके अलावा मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि किसी टेबल को अट्रैक्टिव और कैसे बना सकते हैं। तो एक मैं नई टेबल खोलता हूँ फिलहाल, उसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ये मैंने एक बड़ी टेबल खोली है, देखिए इसमें बहुत सारे ज़्यादा बच्चे हैं और ये हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, एक बच्चा वाइट में है, एक स्काई ब्लू में है। इसको बनाने के लिए भी हम अपने, इसमें एक तरीका है, वापस आते हैं हम ए पे आएंगे जो हमारा ऊपर ए है, और यहाँ पर हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा है, ये आपको देख रहे होंगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। जब हम इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे तो हम वापस एक बार देखते हैं करके, इधर आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखिए ये किस तरह से हम करना चाहते हैं, A1 से हम शुरू करेंगे, पहली लाइन कैसी हो, दूसरी लाइन कैसी हो, तीसरी लाइन कैसी हो, हम यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद इसको सेव करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये सब उस तरह से जैसे हमको दिख रहा है वैसा बन जाएगा, या जैसे हम चाहते हैं वैसा बन जाएगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखना चाह रहे हैं, देखिए जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पर एक सबसे बॉटम में कुछ लाइनें हैं, ऐसा रजिस्टर 19-20, ऐसा रजिस्टर 20-21, ऐसे लिखा है। तो ये दूसरा रजिस्टर है, अभी ये शायद खाली है, ये पहला रजिस्टर है। तो आप रजिस्टर कैसे बनाएंगे, जो आपको यहाँ पर ये प्लस दिख रहा था, इससे आप अलग अलग सीट हर साल के लिए बना सकते हैं। और यहाँ पर ये तीन जो ये बिंदु हैं, इससे आप मान लीजिए आपने 10 रजिस्टर बनाए, तो यहाँ पर से आके आप उन रजिस्टर्स को लाइन से खोल, क्या क्या रजिस्टर बने हुए हैं, ऐसा रजिस्टर 19-20, 20-21, फी रजिस्टर, RT फी रजिस्टर, इस तरह से यहाँ पे कुछ रजिस्टर बने हुए हैं। तो ये आप यहाँ से काम करेंगे प्लस से। अब मान लीजिए आपको एक ये लंबी सीट है, इसमें कोई नाम छाटना है, नाम छाटने के लिए कैसे छाटना में सर्च करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पहले A1 सेल पे, जो ये सबसे ऊपर A1 सेल है, इस पर क्लिक करना होगा, फिर वापस आएंगे, फिर जो टॉप में राइट में तीन बिंदु हैं इन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा इसमें फाइंड एंड रिप्लेस, तो रिप्लेस की हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, मैं फाइंड की बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए और हमें ज़्यादा किसी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें इस वाले पॉइंट को थोड़ा सीखना पड़ता है फाइंड, क्योंकि कभी कभी सीट बड़ी होती है तो बड़ी सीट में कोई चीज़ ढूंढना मुश्किल काम होता है। मान लीजिए मुझे बोला कि सोनिया ढूंढिए आप, सोनिया, तो आप सोनिया इसमें ढूंढना थोड़ा महाभारत है। तो मैं ऐसा करूँगा, इस टूल पे आऊँगा, अब सबसे ऊपर आ गया है फाइंड, यहाँ पर मुझे
सोनिया लिखना होगा, तो सोनिया लिखेंगे सो निया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो ये एक बटा तीन यानी कि तीन सोनिया है, एक सोनिया इसको मिल गई है। कहाँ कहाँ पे मिल गई है? देखिए ये वाली सोनिया, ये पहली सोनिया है। आपको दूसरी सोनिया ढूंढनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या ऊपर जाना तो इस पर क्लिक करेंगे, पर क्योंकि हमने टॉप में क्लिक किया था हम इस बिंदु पे टिक करेंगे। अब हम चलते हैं नीचे, देखिए दूसरी यहाँ पे सोनिया पुंडीर है, ये यहाँ दिख रहा होगा आपको बॉटम में, ये सोनिया पुंडीर यहाँ पर आ गई है, ये दूसरी है। एक और तीसरी कहाँ पर है उसको देखते हैं, क्लिक किया, तीसरी सोनिया पुंडीर यहाँ पर आ गई है, ये देखिए तीसरी सोनिया पुंडीर यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, तीन बटे तीन यानी तीनों सोनिया आपने ढूंढ ली है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल होता है हमें कोई चीज़ सीट में सर्च करने के लिए। और इसमें बस लगभग यही बातें जो मुझे बतानी थी, ये आप देख लीजिएगा कैसे बनते हैं। ये आपको मैंने ओरिएंटेशन बता ही दिया है, ओरिएंटेशन कैसे होता है, फॉन्ट कैसे बदलते हैं, कहीं पे नोट्स कैसे लगाते हैं, किसी एक जगह एक चीज़ को दूसरी जगह कैसे ले आते हैं। बाकी आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें करने में काफ़ी ईजी होगा, शुरू शुरू में थोड़ा परेशानी होगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।